नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आवेदन पत्र करा था छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, और इस वीडियो में हम करेंगे छात्रवृत्ति के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बाकी के वीडियोस भी चेक करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेंगे। और आप उन्हें प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। छात्रवृत्तम आवेदन पत्रम, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रति श्रीमंत प्राचार्य महोदय, देखिएगा जो प्राचार्य के लिखते हैं इसके लिए श्रीमंत प्राचार्य महोदय। स्कूल का नाम फ्लाई उच्च ग्लोबल विद्यालय है, शाहजहानाबाद भोपाल मध्य प्रदेश है। इस तरीके से आपको स्कूल का नाम और वहां पर जो भी जगह का नाम है वो लिख देना है पेपर में, जिस हिसाब से दिया जाए। विषय है छात्रवृत्ति प्रदानार्थम आवेदनम, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र। महोदय श्रीमान, अहम मतलब मैं सविनय निवेदयामि यत, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ। यत मम पितु आर्थिक स्थिति शोचनीय वर्तते, मेरे पिता की जो आर्थिक स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन, वो जो है वो क्या बहुत ही कमजोर है, मतलब शोचनीय वर्तते मतलब कमजोर है थोड़ी। अहम शिक्षण शुल्कम अपि दातुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं, अयम मैं शिक्षण शुल्क मतलब कि जो फीस है, अपी मीन्स भी, देने में असमर्थ हूँ, अनेबल हूँ, वो नहीं दे पा रहा हूँ। अतः मम कृते श्रीमंत, अतः प्लीज़ मेरे लिए श्रीमान जी ये है कि छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप देने इति प्रार्थते, तो मेरे देने के लिए कृपया, मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। फिर यहाँ पर आपको लिख देना है धन्यवाद, दिनांक जो भी दिनांक होगी वो, और इस तरफ जो दिनांक के सीधे बिल्कुल सीधे में लिखना है भवदीय शिष्य, लड़की है तो शिष्या। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अगर पेपर में नाम नहीं दिया है तो आप आवास लिख देंगे, और क्लास जो भी लिखी, दसवीं नवमी आठवीं जो भी क्लास में आप हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, अपनी क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, जो पेपर में दिया हुआ है वही लिखेंगे। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो स्कूल का नाम भी आप आवास लिख देंगे और अपना नाम भी आप आवास लिख देंगे। तो इसी तरीके से ये आपको छात्रवृत्तम आवेदन पत्रम की जो है समझ में आ गया होगा हिंदी में आपको, जिस तरीके से मैंने ट्रांसलेट किया है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।